डिस्कस करेंगे मार्कोनी कॉक्स रूल। हमने देखा है कि जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होंगे, पहले हम देखें जो मार्कोनी कॉक्स रूल है क्या। मार्कोनी कॉक्स रूल में अगर हम देखें तो जो सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन में डिफरेंस है वो बहुत अच्छी तरह से हम देख सकते हैं। देखिए जो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, अगर हम ले प्रोपीन सपोज करें, ये एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, वो हमें कैसे पता लगेगा। देखिए जो डबली बॉन्डेड कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन अलग अलग लगे हैं और इसके साथ कोई दूसरा ग्रुप नहीं है। जैसे अगर हमारे पास इस तरह से कोई ग्रुप आ जाए, ये देखिए, ऑल दो यहाँ पे हाइड्रोजन दोनों के सेम है पर जो साइड ग्रुप्स हैं ये अलग अलग हैं, तो ये हमारे पास ये भी एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन ही होगा। तो अब हम यहां पे देखने लगे हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन की हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन कैसे करेंगे। देखिए मैं इधर HBr या HCl दोनों में से एक लूंगा, यहां पे हम HBr ले रहे हैं। तो मार्कोनी ने जो रूल दिया उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, उसने बोला है जो हैलोजन एसिड है उसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा डबली बॉन्डेड के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम है, और जो H पॉजिटिव है पॉजिटिव पार्ट वो जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है। तो जो प्रोडक्ट बना वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कॉक्स रूल हमारे पास आएगा टू ब्रोमो प्रोपेन। बट हम इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ज्यादातर आंसर्स नहीं देंगे, उसका रीजन है हमने इसको मैकेनिज्म की तरह देखना है। देखिए अगर हम इसके मैकेनिज्म को देखें तो यही सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है मार्कोनी कॉक्स रूल का। आपने हमेशा मार्कोनी कॉक्स रूल का मैकेनिज्म फॉलो करना है एज कंपेयर टू इसकी डेफिनेशन। देखिए किस तरह से इस केस में जो मैकेनिज्म है, हमें यह पता है जो मार्कोनी कॉक्स रूल है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो मार्कोनी कॉक्स रूल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के थ्रू प्रोसीड करेगा। तो किस तरह से ये चलेगा, देखिए सबसे पहले ये जो हैलोजन एसिड हमने इस जगह पे यूज किया इस रिएक्शन पे, वो स्प्लिट करेगा H पॉजिटिव और Br नेगेटिव में, तो ये एक इलेक्ट्रोफाइल है। जब ये प्रोपीन के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके पास दो तरह की ऑप्शंस हैं। देखिए किस तरह से अगर हम H पॉजिटिव की इसके साथ रिएक्शन देखें तो मैं यहां पे इसको देखिए अलग कलर से शो कर रहा हूं। यहां पे ये A ले रहा हूं, ये B। तो अगर ये जो H पॉजिटिव है A के ऊपर अटैक करे तो ये वाला जो बॉन्ड है ये शिफ्ट कर जाएगा। अगर मैं यहां पे ए साइड पे इसका अटैक करवाऊं तो जो हमारे पास प्रोडक्ट निकल के आएगा, रादर प्रोडक्ट की जगह हम इसे इंटरमीडिएट बोल सकते हैं, तो ये बनेगा कार्बोकेटायन। तो ये कौन सा कार्बोकेटायन है, दिस कार्बन इज 1 डिग्री, तो ऊपर पॉजिटिव है तो इसे हम बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोकेटायन। तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है अगर H पॉजिटिव इस डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर अटैक करे। बट अगर हम दूसरा केस लें तो अगर H पॉजिटिव B के ऊपर अटैक करता है तो जो हमारे पास कार्बोकेटायन आएगा वो कार्बोकेटायन हमारे पास निकल के आएगा, देखिए CH3, और ये जो कार्बोकेटायन है दिस कार्बोकेटायन इज 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो अब देखिए हमें पता है जो कार्बोकेटायन्स हैं उनकी स्टेबिलिटी किस तरह से देखनी है। अगर हम कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल कार्बोकेटायन है वो है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। ये कार्बोकेटायन का एक स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो अगर हम इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन देखे तो ये 2 डिग्री वाला स्टेबल कार्बोकेटायन है। अब देखिए H पॉजिटिव ने तो अपना रोल प्ले कर दिया यहां पे, ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया और इसने कार्बोकेटायन दे दिया। ऑल्दो कार्बोकेट
जब हमारे पास इसकी स्टेबिलिटी बढ़ने का कोई चांस हो, बट यहां पे कोई स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगी, तो जो अटैक करेगा, जो ये वाला पेंडिंग हमारे पास ब्रोमाइड आयन है, वो अटैक करेगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन पे। तो देखिए किस तरह से हम यहां पे रिएक्शन करेंगे। ये वाला कार्बोकेटायन हमारे पास बन गया, तो जो ब्रोमाइड आयन है वो ज्यादा स्टेबिलिटी होने के कारण अटैक करेगा 2 डिग्री कार्बोकेटायन पे। तो जो हमारे पास मार्कोवनिकोव्स रूल का आंसर आएगा वो यही आएगा, 2-ब्रोमो-प्रोपेन। तो इस तरह से आपने मार्कोवनिकोव्स रूल को देखना है कि क्या हमारे पास प्रोडक्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ट्रू आएंगे या मैकेनिज्म के। मोस्टली डेफिनेशन और मैकेनिज्म मैच कर जाते हैं, बट कुछ ऐसी एक्सेप्शंस है वो हम लेटर आपको बताएंगे, जिससे क्या होगा कि कई बार हाइड्राइड शिफ्ट और हमारे पास फिनाइल शिफ्ट, मिथाइल इथाइल शिफ्ट, इस तरह के हमारे पास कई तरह के शिफ्टिंग भी होगी, जिससे कार्बोकेटायन रीअरेंज करके ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट देगा। तो ये हमने मार्कोवनिकोव्स रूल आज स्टडी किया।